क्वेश्चन डे, क्वेश्चन डे कहने होता है प्रश्न पूछ ले, प्रश्न यदि जैसे कि राम इज प्लेइंग हॉकी, राम हॉकी खेल रहा है तो उससे प्रश्न पूछने के लिए छोटा सा एक हमको प्रश्न बनाना पड़ता है जिसको हम क्वेश्चन डे कहते हैं, जो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसको पूरा लिखना है और फुल स्टॉप को कॉमा में बनाना बदलना है। यानी आपके पास में तीन रूल्स है उसके कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ होगा कि जैसे कि राम इज प्लेइंग हॉकी दिया हुआ है और कोष्टक में एड क्वेश्चन टेक आता है कि क्वेश्चन टेक लगाओ करके, तब आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख लिया जैसे का वैसा, उसके पश्चात फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दें। जैसे कि दिया हुआ है राम इज प्लेइंग हॉकी, तो हम जैसे का वैसा पूरा लिखेंगे राम इज प्लेइंग हॉकी। उसके बाद ये जो फुल स्टॉप दिया हुआ है इसको हम बदल देंगे कॉमा। एक नियम क्लियर हो गया कि पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे उसके बाद में फुल स्टॉप को बदलेंगे हम कॉमा में। इसके पश्चात यदि वाक्य में टू दी हुए यानी हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हमको इज, तो इज दी हुई हो यानी टू बी यदि हो तो टू बी प्लस नॉट नॉट शॉर्ट फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहले तो टू बी रखेंगे आपको, यदि सेंटेंस में सिर्फ टू बी दी हुई है तो आपको इस आधार पर बनाना है कि सेंटेंस में सिर्फ टू बी हो तो आपको सबसे पहले टू बी रखना है, उसके बाद नॉट रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर क्वेश्चन मार्क रखना है। पहला काम तो आपने ये किया कि पूरा का पूरा पहले आपने सेंटेंस लिख दिया, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दिया, फिर आपने देखा कि टू बी है तो यदि टू बी हो, यदि टू बी हो तो क्या करना है, पहले टू बी रखना है, फिर नॉट रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर क्वेश्चन मार्क रखना है। यहाँ पे टू बी दी हुई है आपको इज, तो जैसे कि वैसे आप लिख लेंगे पहले इज, फिर उसके बाद में नॉट शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगा देंगे इजंट हो जाएगा। दो काम हो गए, पहले टू बी रख लिया फिर नॉट रख लिया, फिर रखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रखते समय याद रखना है यदि प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन ऐसे ही रहेगा, लेकिन यदि सब्जेक्ट नाउन है जिसको प्रोनाउन में चेंज करना है तो राम का हो जाएगा ही और लगाना है क्वेश्चन मार्क। आपका जो क्वेश्चन टेक बना हुआ है इजंट ही क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम किया आपने पूरा सेंटेंस लिखा, दूसरा काम किया आपने फुल स्टॉप को कॉमा में बदला, तीसरा काम किया यदि सेंटेंस में टू बी है तो आपने सबसे पहले टू बी को रखी, उसके बाद में रखा नॉट, यदि सेंटेंस में सिर्फ टू बी है तो आपने टू बी रखी, उसके बाद रखा नॉट, उसके बाद रखा आपने सब्जेक्ट, उसके बाद रखा क्वेश्चन मार्क। पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में यदि टू बी प्लस नॉट हो सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, तो इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा, तो पैटर्न वही रहेगा, जो प्रोसेस है वही रहेगी। सबसे पहले पूरा सेंटेंस लिखे राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, फिर फुल स्टॉप को बदल देंगे हम कॉमा में, पहला काम। दूसरा काम कि यदि सेंटेंस में टू बी प्लस नॉट हो, यदि वाक्य में यहाँ पर दिया हुआ है कि वाक्य में टू बी के बाद में ऑलरेडी नॉट हो, तब हमको कैसे बनाना है, तो हमको सामने रख देना है टू बी को, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिख देना है और आखिर में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले पूरा सेंटेंस लिखा फिर स्टॉप को कॉमा में बदला, कॉमा में बदलने के बाद में सेंटेंस में ऑलरेडी टू बी के साथ नॉट है तो सिर्फ टू बी लिखना है आपको ईच, उसके बाद जो सब्जेक्ट रख देना है नाम का प्रोनाउन हो जाएगा ही, फिर उसके बाद में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ऊपर वाला सेंटेंस था कि राम इज प्लेइंग हॉकी, उसका क्वेश्चन टेक बना इजंट ही क्वेश्चन मार्क। नीचे वाला सेंटेंस था राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, उसका क्वेश्चन टेक बना इज ही, यानी जो सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनता है और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनता है। यदि सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर नॉट नहीं रखना है, डायरेक्ट टू बी रखना है, सब्जेक्ट रखना है और क्वेश्चन मार्क रखना है। दो सेंटेंस देखे हमने कि सेंटेंस दिया हुआ है और उसका हमको क्वेश्चन टेक करना है। अगला सेंटेंस हमारे पास में कि सी विल सिंग अ सॉन्ग और इसका क्वेश्चन टेक बनाना है, या एक क्वेश्चन टेक या शॉर्ट में जिसको हम कहते हैं क्यूटी या क्वेश्चन टेक। तो रूल्स वही, सबसे पहला रूल्स ये रहेगा कि पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे जैसे का वैसा, सी विल
सिंग अ सॉन्ग है। पुरुष नंबर वन की पूरा सेंटेंस लिखेंगे, एक स्कूल स्टॉप को बदलेंगे कॉमा में। फिर पुरुष नंबर टू की यदि टू बी दी हुई होगी तो टू बी प्लस नॉट रखना है, यानी यहाँ पर टू बी दी हमको विल, तो ये हो जाएगा विल नॉट। नियम नंबर एक हो गया, नियम नंबर दो हो गया कि सिर्फ टू बी हो तो टू बी प्लस नॉट रख दे, उसके बाद रखे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोनाउन है तो आ जाएगा सी और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बन गया हमारा विलर सी क्वेश्चन मार्क। आपको दिया हुआ था सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग और आपका क्वेश्चन टेक बना विल नॉट सी क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज क्लियर है कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा और सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। तो सी विल सिंग अ सॉन्ग कॉमा विलर सी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इसका आपको क्वेश्चन टेक बनाना है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस पूरा लिख लें, पहले ही वॉज नॉट फिर ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद फुल स्टॉप को बदल दे कॉमा में। यदि टू बी है तो टू बी प्लस नॉट रखाता हमने, और यदि टू बी प्लस नॉट है तो सिर्फ टू बी रखना है, आ जाएगा वॉज। इसके बाद में अब रखना है आपको नॉट नहीं रखना है क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में नॉट है। फिर उसके बाद रखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास ही और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस में से हमने क्वेश्चन टेक बना लिया कॉमा वाज ही क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस यदि यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो टू बी के बाद नॉट रखने की आवश्यकता नहीं है। ये किस कंडीशन की सेंटेंस है, सिर्फ सेंटेंस अभी हम देख रहे हैं आज सिर्फ टू बी वाले, यदि टू बी है तो टू बी प्लस नॉट रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर क्वेश्चन मार्क रखना है। यदि सेंटेंस में टू बी प्लस नॉट दिया हुआ है तो सिर्फ टू बी रखना है, सब्जेक्ट रखना है, क्वेश्चन मार्क रखना है। नियम नंबर एक ही पढ़ रहा है कि यदि सेंटेंस में टू बी है तो फुल स्टॉप को कॉमा में बदले, टू बी प्लस नॉट रखे, उसके बाद सब्जेक्ट रखे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाए। यदि सेंटेंस में ही टू बी प्लस नॉट दिया हुआ है तो सिर्फ टू बी रखे, फिर सब्जेक्ट रखे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाए। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वेयर कॉलिंग यू, इसको आपको बनाना है क्वेश्चन टेक में। तो पहले पूरा लिख ले दे वेयर नॉट कॉलिंग यू, वे आपको नहीं बुला रहे थे, आपको क्वेश्चन बनाना है कि बुला रहे थे कि नहीं, छोटा सा एक प्रश्न बनाना है। तो पूरा का पूरा लिख लिया आपने, फुल स्टॉप को बदल लेंगे हम कॉमा में। ऑलरेडी सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो सिर्फ टू बी रखना है, क्वेश्चन टेक यदि बनाना है तो आ जाएगा वेयर, फिर उसके बाद में नॉट रखने की आवश्यकता नहीं है, लगा देंगे हम सब्जेक्ट कौन सा दे और आखिर में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो यदि सेंटेंस में सिर्फ टू बी है तो क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा, सेंटेंस में टू बी है तो सबसे पहले आप फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दे, फिर लिख दे टू बी जो भी होगी, उसके बाद में रख दे नॉट और नॉट कौन सा शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे, फिर उसके बाद रख दे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगा दे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार बनेगा सेंटेंस में यदि टू बी है तो पहले पूरा सेंटेंस लिख देंगे, फुल स्टॉप को कॉमा में बदलेंगे, फिर रखेंगे टू बी, फिर उसके बाद में रखेंगे शॉर्ट फॉर्म नॉट का, फिर रखेंगे सब्जेक्ट और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये किस कंडीशन का हुआ कि जब सेंटेंस में सिर्फ टू बी दी हुई हो। यदि सेंटेंस में टू बी प्लस नॉट दिया हुआ है ऐसी कंडीशन में कैसा बनेगा, यदि सेंटेंस में टू बी भी दी है और साथ में नॉट भी दिया हुआ है ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन टेक बनेगा। सबसे पहले आपको फुल स्टॉप को कॉमा में बदलना पड़ेगा, उसके बाद में सिर्फ आपको रखना है टू बी, फिर रखना है सब्जेक्ट और फिर रखना है क्वेश्चन मार्क। तो ये दो टाइप हो गए कि टू बी वाले सेंटेंस रहेंगे तो एक तो अफर्मेटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो अफर्मेटिव रहेगा तो इस सूत्र के अनुसार बनेगा, पहले फुल स्टॉप को कॉमा में बदलेंगे, फिर सिर्फ यदि टू बी तो टू बी प्लस नॉट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। टू बी वाले सेंटेंस रहेगा लेकिन नेगेटिव रहेगा, यानी सेंटेंस में टू बी भी रहेगी नॉट भी रहेगा, ऐसी कंडीशन में कॉमा लिखेंगे, फुल स्टॉप को कॉमा में बदलेंगे, टू बी लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में जैसे चिल्ड्रन हैव गॉन टू मार्केट, तो पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे
यदि आप नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते, कॉमा के बाद का ही क्वेश्चन दे कहलाता है। चिल्ड्रन हैव गॉन टू मार्केट, तो इस टॉप को आप कॉमा में बदलेंगे। कॉमा में बदलने के बाद में आप देखेंगे कि सेंटेंस में टू भी दी है, हैव और नॉट नहीं है, तो इसके अनुसार पहले कॉमा लिखा फिर लिखेंगे हम टू भी आ जाएगी हमारे पास में हैव, फिर उसके बाद में टू भी के बाद में नॉट नहीं है तो लिखना पड़ेगा नॉट शॉर्ट फॉर्म में, फिर सब्जेक्ट चिल्ड्रन का प्रोनाउन हो जाएगा दे और क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास में क्वेश्चन टेक बना कॉमा एवर्ट दे क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन टेक कैसे बनाएंगे। तो दो रूल से याद रखेंगे, सेंटेंस में जी टू भी है तो सबसे पहले आप पूरे का पूरा सेंटेंस लिख लें और सेंटेंस लिखने के बाद में फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दे, फिर उसके बाद में सिर्फ यदि सेंटेंस में टू भी दी हुई है तो टू भी लिखे, फिर उसके बाद नॉट लिखे, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरी कंडीशन में यदि सेंटेंस में टू भी प्लस नॉट ऑलरेडी दिया हुआ होगा तो सिर्फ टू भी रखना है, सब्जेक्ट रखना है, क्वेश्चन मार्क रखना है। यानी सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। जैसे मैं दो करके बता दे रहा हूं, सी इज रीडिंग इंग्लिश, जैसे का वैसे लिखेंगे आप, सी इज रीडिंग इंग्लिश, वहां अंग्रेजी पढ़ रही है, ये फुल स्टॉप को बदल देंगे कॉमा में, पहला काम हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ टू भी है तो टू भी लिखेंगे हम इज, फिर उसके बाद में रख देंगे नॉट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जैसे का वैसे प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन में आ जाएगा और लास्ट में आना चाहिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टेक बन गया इजर सी क्वेश्चन मार्क। दूसरा है ही विल नॉट प्ले चेस, अब सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव था तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बना, यहां पे सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। फॉर एग्जांपल कैसे बनेगा, ही विल नॉट प्ले चेस, फुल स्टॉप को बदलेंगे कॉमा में। अब यदि सेंटेंस में टू बी प्लस नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसी कंडीशन में कॉमा रखेंगे, उसके बाद सिर्फ टू की रखेंगे हमारे पास में विल, उसके पश्चात सब्जेक्ट रखेंगे ही और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहां कॉमा से लेकर यहां तक बना हमारे पास विल ही क्वेश्चन मार्क। तो अब तीन सेंटेंस के क्वेश्चन टेक बना करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन टेक किस प्रकार बन सकते हैं।